कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, और संविधान के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखती है। अगर छत्तीसगढ़ के हालात ठीक हुए हैं तो वो कांग्रेस की सरकार की वजह से हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार की वजह से नहीं हुए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो इंडी अलायंस है उसके पास कोई लीगल नहीं है, साथ ही इनके जो हेजेंट एजेंडा है उसमें भारत के कल्चर पर अटैक करना है और किसी तरीके और सनातन धर्म, इंडिया लाइन जो है वो चाहता है कि सनातन धर्म इरेज हो जाए। देखिए, इंडिया के किसी स्पोक्स पर्सन ने ये बयान नहीं दिया है, वो सनातन धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि सनातन धर्म पर जिन लोगों ने गलत बयान दिया वो गलत है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बीजेपी प्रधानमंत्री के लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले 9-9.5 साल के अंदर सिर्फ धर्म की राजनीति की है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी की एक महिला प्रवक्ता ने प्रॉफिट के बारे में क्या कहा था, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया था। आपने शुरुआत की है और इसीलिए दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिला है। सर, जेपी नड्डा पर संस्कृति पर अटैक करना और दूसरा मीडिया पर हमला करना, देखिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बाइडन का वो बयान नहीं देखा है जो उन्होंने वियतनाम में जाके दिया है। G20 के किसी भी नेता को दिल्ली के अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, जिसका नतीजा है कि वियतनाम के अंदर जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है कि भारत का मीडिया दबाव में है, ह्यूमन राइट्स का सवाल उठाता है कि मैंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए और मीडिया को दबाव में नहीं रखना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी दे कि मीडिया का दबाव आपका है। सर, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को लेकर की तारीफ की गई, रीजनल लैंग्वेज को कहा गया कि वो हिंदी जो है एम्पावर करता है, उस पर ही प्रियांक खड़गे ने कहा है कि बीजेपी का एजेंडा जो है हमेशा से ही हिंदी को इम्पोज करना रहा है। कन्नड़ा जो है एक क्लासिकल लैंग्वेज है और यहाँ पर जो लोग हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं। पीएम को मुख्य मुद्दों में जो है कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बल्कि बजाय क्रिटिसाइज इंडिया लाइन। देखिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को एक रखने में नाकाम रही है। उनकी नीतियां देश को तोड़ने वाली नीतियां हैं। भारत के अंदर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जबान जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। हमारी पॉलिसी रही है कांग्रेस पार्टी की कि तमाम जबानों की इज्जत की जाए, किसी भी जबान को जबरदस्ती न थोपा जाए। हिंदी राष्ट्रीय जुबान है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम साउथ की जबानों के साथ मतभेद करें। सर, अनुराग ठाकुर इंडिया अलायंस को एक ही रिजोल्यूशन है कि सनातन धर्म को अबॉलिश करना है, बाबा साहब अंबेडकर को डिसरेस्पेक्ट करना है, वायलेट करना है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, 140 करोड़ लोगों को जो है सर झुकाना। संविधान का जितना मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर्स करते हैं, इतना तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं है। अभी तो उनके एक मंत्री शेखावत कह रहे थे कि उंगलियां काट दी जाएं, आंखें निकाल दी जाएं। क्या संविधान के मुताबिक ये काम है? ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर संविधान का मजाक अगर किसी ने इस देश में उड़ाया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हद ये है कि वो लोग जो सरकार में हैं उन्हें भी संविधान की